अपनी 50 साल की माँ की शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है ये लड़की, लेकिन इसकी है कुछ शर्तें। क्या है शर्तें, जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए। अगर आप करना चाहते हैं वाकई में शादी एक 50 साल की माँ के साथ, तो ये वीडियो देखना तो जरूर बनता है, और इसी बात पे एक लाइक भी बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू दिखे, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अपनी माँ का घर बसाने की कोशिशों में जुटी एक LLB छात्रा ने उपयुक्त दूल्हे की तलाश के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर का सहारा लिया है। दोस्तों आस्था वर्मा ने हैशटैग ग्रूम हंटिंग के तहत ट्वीट किया है, मैं अपनी माँ के लिए 50 साल का दूल्हा ढूंढ रही हूँ। शाकाहारी, शराब से दूर रहने वाले और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी। दोस्तों आस्था के इस प्रस्ताव पर ट्विटर पर काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। निधि कामदार नाम के एक यूजर ने लिखा, ट्विटर के इस्तेमाल का बेहद अलग, शानदार और साहसिक अंदाज, ऑल द बेस्ट आस्था। सुमित उद्गल नाम के शख्स ने ट्वीट किया, मेरे अंदर आपकी बताई सारी खूबियां हैं, हालांकि मैं सिर्फ 24 साल का हूं। इस पर आस्था ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर आप 24 के बजाय 42 के होते तो आपके बारे में सोचा जा सकता था। जॉनी नाम के एक यूजर ने आस्था को सलाह देते हुए कहा कि वह गलत वेबसाइट पर है, दूल्हा दुल्हन की तलाश के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इस पर आस्था ने जवाब दिया, सब जगह कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली, काफी दिनों तक शांत बैठी रही, फिर सोचा क्यों ना माँ की खुशी के लिए ऐसे मंच पर उसकी शादी का प्रस्ताव रखूं जहाँ मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। तो दोस्तों अगर आप में से भी कोई है शख्स कुंवारा या करना चाहता है शादी, तो जल्द से जल्द इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपकी बात आस्था जी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।